नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ऑल ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। दोस्तों, अच्छी खासी पोस्ट है, सैलरी भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है, फीस भी ज़्यादा नहीं लगने वाली। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी सारी पोस्ट निकली है, कब तक अप्लाई करना है, सैलरीज क्या मिलने वाली है, फ़ीस कितनी लगने वाली है और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकला हुआ ये एडवर्टाइजमेंट। आप चलो मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ पोस्ट कौन सी है, पे क्या है, मतलब सैलरीज क्या मिलने वाली है। आप यहाँ पे पहले सैलरी देख लीजिए, ग्रेड 3 की सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। पे स्केल रहेगा 26,600 से लेकर आपको 90,000 रुपये तक दोस्तों यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। और दोस्तों पोस्ट कौन सी रहेगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है। दोस्तों इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 10+2 मतलब 12वीं पास होना जरूरी है इन एनी स्ट्रीम। आप कोई भी स्ट्रीम से 12वीं किया हो तो चलेगा, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो विथ 40% मार्क्स। दोस्तों सिर्फ 40% मार्क्स के साथ में अगर आपने 12वीं किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पर आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का 6 मंथ वाला, मतलब कम से कम 6 मंथ का आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया होना चाहिए। और आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट का। तो अगर आप एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट यूज़ करते हो या आपको नॉलेज है तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर लीजिए। दोस्तों पोस्ट कितनी रहेगी आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 120 पोस्ट है, उसमें से एससी के लिए 8 पोस्ट है, एसटी के लिए 14 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 32 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 पोस्ट है। दोस्तों जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी, उनके लिए 54 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों इतनी सारी पोस्ट है, 120 पोस्ट टोटल निकल के आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं बाकी चीज़ें यहाँ पे किस तरह से रहेगी। आप देख सकते हैं एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट कितना रहेगा, तो आप देख सकते हैं 15 अगस्त 2021 को जनरल कैटेगरी के लिए आपका एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और एससी एसटी के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम यहाँ पे आपका 35 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। और ओबीसी नॉन क्रिमिनलर के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम यहाँ पे 33 इयर्स दिया गया, मतलब 33 साल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ऐसे है, यहाँ पे रिलेक्सेशन आपको दिखाई दिया होगा, डायरेक्टली मैंने आपको बताया कि कौन से एज तक आप कौन से कैटेगरी लोग अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों बाकी चीज़ें सिलेक्शन किस तरह से होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब सीबीटी होने वाला है और सीबीटी ऊपर ही आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन सीबीटी में अगर आप जो परसेंटेज पाने वाले हो उसके लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 40% मार्क्स आना चाहिए, और अगर आप अदर कैटेगरी से मतलब ओपन कैटेगरी से हो तो आपको 50% मार्क्स सीबीटी में आना चाहिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, तो ही आपके बारे में सोचा जाएगा। और दोस्तों दूसरी बाकी चीज़ें आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। चलो मैं बात करता हूँ कि पैरामीटर्स किस तरह से होंगे एग्ज़ाम के, तो आप देख सकते हैं एबीसी 3 टाइप का यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, मतलब अलग अलग 3 सेक्शन में किया गया है। पहला सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड क्वेश्चन ऑन द ऑयल इंडिया लिमिटेड के ऊपर, मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड के हिसाब से उसके ऊपर से क्वेश्चन कुछ आएंगे। और बाकी इसके लिए 20% वेटेज रहेगा, मतलब ये सारी चीज़ें आपको 20% तक ही पूछी जाएगी 100 में से। बाकी रीजनिंग का और अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल या मेंटल एबिलिटी के लिए यहाँ पे 20% वेटेज रहेगा। और जो थर्ड सेक्शन है उसमें डोमेन और रिवेलेंट टेक्निकल नॉलेज के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसी के ऊपर आपको 60% वेटेज रहेगा। तो कुल मिला के 100% वेटेज का इस तरह से विभाग किया गया है, इस तरह से आपको पूछे जाएंगे सवाल। और दोस्तों जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें जो सीबीटी होगी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, उसमें जो लैंग्वेज रहेगी वो एक तो रहेगी आपकी इंग्लिश और सेकंड रहेगी आपके एरिया की, जैसे कि जिस एरिया में एग्ज़ाम निकली है उसमें आसामीज आपको पूछी जाएगी, एक तो इंग्लिश या तो फिर आसामीज में आपको सवाल पूछे जाएंगे। और हर क्वेश्चन के आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, सॉरी यहाँ पर 2 घंटे की एग्ज़ाम रहेगी। मार्क्स के बारे में नीचे दिया गया, मैं आपको दिखा दूँगा। चलो देख लेते हैं बाकी चीज़ें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन होगा और उसी के बाद में आपका यहाँ पे विचार किया जाएगा। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड या जिला सैनिक की वेलफेयर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन का कार्ड अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो,
दूसरी बात एडमिट कार्ड या तो फिर पास सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट ऑफ 10th क्लास, आपने 10वीं पास किया है उसका मार्कशीट लगेगा। यहाँ पे मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ 12th, दस अपना 12th का मतलब 12वीं का आपको यहाँ पे पास सर्टिफिकेट लगेगा, जो अपना रहता है आप 10वीं 12वीं पास होने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है आपका बोर्ड का, वो बोर्ड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तीसरी बात, आपने अगर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया है कंप्यूटर कोर्स का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो वो 6 महीने वाला उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से हो तो, और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो, जब जिसको अप्लीकेबल होता है उसके लिए। और इनकम या असेट्स मतलब सर्टिफिकेट लगेगा ये आपका इनकम कितना है, मतलब इकोनॉमी वगैरह अगर आप वीकर के लिए अप्लाई करना चाहते हो EWS के लिए, तो आपको यहाँ पे इनकम का सर्टिफिकेट लगेगा। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप PWD के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। और बाकी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे फोटो पास ऑफ WCL इफ़ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो WCL का आपको फ़ोटो पास सर्टिफिकेट लगेगा। और आपको अगर ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा, तो वो भी आपको यहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरह से सारी डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है। बाकी एग्ज़ाम फ़ी वगैरह क्या लगेगी, चलो उसके बारे में बात करते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या है आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आके चेक करनी चाहिए। और कट ऑफ की डेट क्या रहेगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 अगस्त, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया एज लिमिट के लिए कट ऑफ की डेट क्या रहेगी। और आपको कब तक अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रॉम 1 जुलाई से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और लास्ट डेट रहेगी 15 अगस्त 2021, तो 15 अगस्त 2021 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और OBC के लिए यहाँ पे 200 रुपये फ़ीस लगने वाली है, और अगर आप अदर कैटेगरी से हो तो यहाँ पर आपको कोई भी फ़ीस नहीं है। जैसे कि आप SC ST हो तो आपको यहाँ पे पूरी तरह से एग्जम्पशन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं SC ST EWS पर्सन ऑफ पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ अगर आप हो या एक्स सर्विसमैन हो तो भी आपको यहाँ पर कुछ भी फ़ीस नहीं लगने वाली। तो इस तरह से दोस्तों सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, आपके समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ में, शेयर कीजिए, और अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, हर चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, कौन सी एरिया में कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी सारी पोस्ट निकली है, ये सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा सब्सक्राइब लिखा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा, घंटा आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो बना उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिलेगी, वहाँ पर भी जाके आपको चैनल को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में सारे अलर्ट्स मिलते रहते हैं। तो दोस्तों ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। तो दोस्तों मिलते हैं नए जॉब के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।